हेलो एवरीवन, आज हम स्ट्रिंग की सीरीज में एक नई फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो है स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन। यहाँ हम देखेंगे कि अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं तो उन स्ट्रिंग्स को हम आपस में कैसे जोड़ सकते हैं। जनरली हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, तो इसे हम आसानी से ऐड कर सकते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर। बट स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो किसी भी स्ट्रिंग को आपस में, अगर दो स्ट्रिंग आपके पास हैं एंड यू वॉन्ट टू एड दीज टू स्ट्रिंग्स, तो उसके लिए हम कौन सी फंक्शन को यूज करते हैं ये हम देखेंगे सी लैंग्वेज में। और बिना फंक्शन के अगर हमें सी में स्ट्रिंग का कॉनकैटेनेशन करना होगा तो उसके लिए कैसा प्रोग्राम बनाए बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो इसे डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं तो उन स्ट्रिंग्स को आप कॉनकैट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या फंडामेंटल चीजें होती हैं जिसे हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ जैसे हमने देखा कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं str1 एंड str2। यहाँ पे str1 एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने एक वर्ड लिया हुआ है हेलो, और दूसरी str2 है जिसमें हमने एक वर्ड लिया हुआ है दैट इज वेलकम। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम हेलो यूज कर रहे हैं तो इसमें जो str1 है इसकी साइज हमने ली हुई है 15, यानी ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्ट्रिंग है और इसकी साइज कितनी है 15। सेम str2 की साइज भी हमने ली हुई है 15। बट आपने देखा होगा इसमें मोस्ट ऑफ बहुत सारा स्पेस जो है वो खाली है, यानी कि आप यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं। वही यहाँ पे str2 में भी आपको दिख रहा है कि बहुत सारा स्पेस खाली है। तो यहाँ आप देखेंगे जब हमने हेलो यूज किया है तो लास्ट में लगा हुआ है स्लैश जीरो, जैसे हमने पिछले अपने लेक्चर्स में भी देखा है, वीडियोस में भी देखा है कि स्लैश जीरो का यूज होता है जो बताता है कि आपके स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, दैट मींस एंडिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। और वैसे ही यहाँ पे वेलकम में भी स्लैश जीरो लगा हुआ है। तो अगर आपको स्ट्रिंग को ऐड करना होता है तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि आपके पास दो स्ट्रिंग है str1 और एक दूसरी स्ट्रिंग है str2, तो हम यहां से नया कैरेक्टर इंसर्ट करना शुरू करेंगे। यानी हेलो तो हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे हम वेलकम को भी ऐड करना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली तभी आपका कॉनकैटेनेशन हो पाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे कि आपके पास सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्ट्रिंग की लेंथ। तो अगर आप इस स्ट्रिंग में जाएंगे तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ आपको मिलेगी 5, ठीक है, और लास्ट में लगा हुआ है /0, और चूंकि काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से तो फिफ्थ पोजीशन पे आएगा /0। तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के बाद str का जो 0 पोजीशन है, ये हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो str की जो 0 पोजीशन है str2 की, उसे हम पुट करेंगे इसके लेंथ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा w, ओके। देन आफ्टर हम इस len जो भी लेंथ हमने निकाला है इसको एक इंक्रीज करेंगे, तो पॉइंटर पॉइंट करेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको एक इंक्रीज करेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है ये पुट हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा e। सिमिलरली ये आगे बढ़ेगा l c o m और e। ये कब तक मूव करेगा? जब तक कि str2 के बाद /0 नहीं मिल जाता, दैट मीन्स ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट में हम यहाँ जोड़ देंगे /0 जो यहाँ से हट चुका है, दैट मीन्स अब आपके str1 की वैल्यू क्या हो गई, हेलो वेलकम। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं या हम वहां पे पुट कर सकते हैं एक ही स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू को, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन करना। तो यहाँ पे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, ओके? ये 2 है, ये 3, ये 4 है, 5, 6 एंड 7, ओके? और लेंथ निकालेंगे और लेंथ से एक एक करके इन वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे। लेंथ भी इंक्रीज होगी और साथ साथ ये आई की वैल्यू, मतलब कि दो लूप आपके पास लगने वाले हैं, आपके पास दो वैल्यूज हैं जो इंक्रीज होने वाली, लूप तो नहीं कहेंगे पर दो वैल्यूज हैं जो बढ़ने वाली हैं, एक जो लेंथ है जिसे आप यहाँ एक एक करके बढ़ा रहे हैं और एक ये आई पॉइंटर है जो लूपिंग के तहत काम करेगा और एक एक करके वैल्यूज को पुट करता जाएगा। अब इसी चीज को हम प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं, फर्स्ट थिंग यूजिंग स्ट्रिंग, सेकेंड थिंग विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट।
सबसे पहले देखेंगे, यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच एफ यूज करेंगे, फोनियो यूज करेंगे, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल हमने यूज किया है स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज करना है। हमने फिर यूज किया void main, हमने दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं len लेंथ के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, और i जो है वो दूसरे स्ट्रिंग की लूपिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। उसके बाद हमने दो स्ट्रिंग कैरेक्टर से अरे लिए हुए हैं str1 str2, इसकी साइज मैंने 20 ले ली है, आप चाहो 20 ले लो 15 ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी लेंथ की स्ट्रिंग आपको चाहिए। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले किया है, एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, गेटर्स के थ्रू उस स्ट्रिंग को रन टाइम पे इनपुट कराया, फिर इंटर द सेकेंड स्ट्रिंग, हमने दूसरी स्ट्रिंग को इनपुट कराया। अब बारी आती है उनको एड करने की। यहां देखेंगे हमने एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया हुआ है strcat, ये होती है स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, यानी ब्रैकेट के अंदर पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग जिसे आपको जोड़ना है उन वेरिएबल्स का नाम आप पुट करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल प्रिंट एफ स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन इक्वल्स टू परसेंट एस, और उसमें कौन सी वैल्यू जाएगी परसेंट एस में, जो कॉनकैट होके आएगी str1 str2, और वैल्यू जो है str1 पे जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, ये तो हो गया कि जब आप स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं तब। अब अगर आपको स्ट्रिंग फंक्शन यूज नहीं करनी है तो उसके लिए जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसे देखते हैं। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे काम करेगा, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करी है, जो हमने पहले पिछले लेक्चर्स पे देखा हुआ है कि strlen एक फंक्शन होती है जो स्ट्रिंग 1 की लेंथ फाइंड आउट करेगी। तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ अगर आपने हेलो लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ हो जाएगी 5। उसके बाद हमने एक व्हाइल लूप लगाया है कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि स्ट्रिंग 2 की आइथ पोजीशन की वैल्यू /0 नहीं है तब तक, यानी वो एक एक करके दूसरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को यूज करता जाएगा या उठाता जाएगा। कब तक, जब तक कि दूसरी स्ट्रिंग में /0 नहीं आ जाता है तब तक। आई की वैल्यू है 0, तो इनिशियली str2 ऑफ 0 मतलब फर्स्ट कैरेक्टर, यानी अगर आपने वेलकम लिखा है तो w। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, str1 के लेंथ में यानी जो लास्ट कैरेक्टर है जहां /0 मिला हमको, वहां पे str2 के आइथ पोजीशन यानी 0 पोजीशन के कैरेक्टर यानी w को पुट कर दिया। देन हमने i को इंक्रीज कर दिया, यानी कि अब स्ट्रिंग 2 का जो 0 पोजीशन था वो हो गया 1 पोजीशन, ये सेकेंड कैरेक्टर आ गया स्ट्रिंग 2 का, और लेंथ को भी बढ़ा दिया तो लेंथ जो /0 पे थी अब वो एक बढ़ के आगे की तरफ खिसक जाएगी, यानी अब नया का अगला कैरेक्टर अगले नेक्स्ट स्पेस पे आएगा। इसी तरह से एक एक कैरेक्टर्स जो है वो पुट होते जाएंगे, कब तक, जब तक कि स्ट्रिंग 2 में /0 नहीं मिल जाता है तब तक। ऐसा करने के बाद स्ट्रिंग 1 के लेंथ मतलब कि लेंथ मतलब एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे सब कैरेक्टर्स फिनिश हो चुके होंगे, तो वो एक लेंथ की वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू पे लास्ट पे /0 लगा देना है हमको, क्योंकि हम कैरेक्टर वाइज पुट करते जा रहे हैं, तो हमको /0 लगा के ये बताना है कि नाउ स्ट्रिंग इज एंडेड। और उसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया str1 को, तो स्ट्रिंग str1 जो है वो कॉनकेट होके आ जाएगी। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, Alt F9 से मैंने कंपाइल किया, Ctrl F9 से मैंने रन किया, मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया, पहला कैरेक्टर हेलो और दूसरा कैरेक्टर मैंने दिया सपोज वेलकम। तो आप देखिए स्ट्रिंग कॉनकेटेनेशन आया हेलो वेलकम, क्योंकि पुराना आउटपुट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं ताकि हमको पुराना आउटपुट ना दिखे। Alt F9, Ctrl F9, उसके बाद हमने पहली स्ट्रिंग ली हेलो, उसके बाद स्पेस अगर हमको चाहिए दोनों के बीच में तो एक स्पेस दे दिया, देन आफ्टर हमने सेकेंड स्ट्रिंग ली दैट इज वेलकम, एंटर किया तो आपका कॉनकैटेनेशन आ गया हेलो वेलकम। ये कब हुआ, जब हमने विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन ये प्रोग्राम बनाया। अब अगर स्ट्रिंग फंक्शन को यूज कर लिया जाए और बाकी को कमेंट कर दिया जाए तब देखते हैं सेम आउटपुट आता है या नहीं आता है हमारे पास। Alt F9 किया, Ctrl F9 किया, पहली स्ट्रिंग ली हेलो, दूसरी स्ट्रिंग ली वेलकम, स्पेस नहीं दिया था अभी तो हेलो वेलकम एक साथ आया। अगर आप स्पेस देते हैं हेलो स्पेस देन वेलकम तो दो के बीच में स्पेस डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आप दो स्ट्रिंग को कॉनकैट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग एज वेल एज विदाउट यूजिंग यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन एज वेल एज विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।